काफी ज्यादा रिसेशन के मूड में पूरी दुनिया लग रही है एक्सेप्ट इंडिया। यूएस के अंदर टॉप कंपनीज ले ऑफ कर रही है, तो मैं कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा। फेसबुक मेटा 11,000 जॉब्स उन्होंने लेट गो कर दिए, विच इज 13% ऑफ देयर वर्कफोर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने 5% हटा दिए। उसी के साथ साथ वॉलमार्ट ने 6% जो कि 18,000 जॉब्स उन्होंने उनको फायर कर दिया। अल्फाबेट जो पेरेंट कंपनी है गूगल का, उसने 12,000 जॉब्स को हटा दिया, विच इज 6% ऑफ द वर्कफोर्स। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड सेल्स फोर्स, आपने नाम सुना होगा सेल्स फोर्स, जो सेल्स मार्केटिंग के फील्ड में काम कर इन्होंने अपनी 10% हटा दी है सारी की सारी जॉब्स। तो आप देख रहे हो जितनी भी टॉप कंपनीज हैं सब लोग फायरिंग कर रहे हैं फुल पावर वहां पर। इलॉन मस्क जो टेस्ला है उसने अपना ट्विटर के अंदर भी आपको पता होगा बहुत एग्रेसिव फायरिंग हुई है। सिस्को के अंदर 5% फायरिंग हो चुकी है। और इसमें अब रिपोर्ट्स जो सैड न्यूज है हमारे इंडियंस के लिए वो ये है कि जो फायरिंग हुई है उसमें 30-40% इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं। आप सबको पता ही है कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स आर किलर, दे आर अमेजिंग। रिसेशन आ रहा है यूएस के अंदर तो ज्यादातर क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स आईटी के अंदर, इंडिया इज द पावर हाउस ऑफ आईटी, तो 30-40% इंडियंस ही हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली जॉब जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि अपनी स्किल को आप हमेशा इंप्रूव करते रहें, हमेशा ऊपर जाते रहें। एक जगह पर आप ये मत सोचें कि आपकी जॉब लग गई सब कुछ सही है तो आप चिल करो, नहीं, स्किल्स को इंप्रूव करते रहो ताकि आप रिसेशन प्रूफ हो जाओ।